फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम खड़े हैं प्रेस्टीज हुंडई पे एंड यहाँ पे आज हम कवर करने आए ऑल न्यू हुंडई i23 जनरेशन का लॉन्च इवेंट। सो चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ एंड कार का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कीप गोइंग। तो फाइनली दोनों गाड़ी शोरूम्स में आ गई हैं एंड बहुत जल्द इसका लॉन्च इवेंट चालू हो जाएगा। सो अभी हम उसका वेट करेंगे एंड जैसे चालू होता है तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कीप गोइंग। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द लॉन्च इवेंट ऑफ ऑल न्यू हुंडई i23 जनरेशन। वी आर जस्ट वेटिंग, द टाइम इज़ राइट नाउ 5:15। सो बहुत जल्द ये रिवील होने वाली है। दोनों गाड़ियाँ मेरे सामने खड़ी हैं, दोनों पे रेड कलर के वो लगे हुए हैं, बस गाड़ियाँ रिवील होने ही वाली हैं। सो बने रहो चैनल पे एंड देखते रहो आगे वीडियो। सो फाइनली लॉन्च इवेंट हो गया है, दोनों गाड़ी रिवील हो चुकी है। सो आप ये जो देख रहे हैं ये है i20 ऑल न्यू i20 का मैग्ना मॉडल एंड ये खड़ा है एस्टा मॉडल। सो काफ़ी ही ब्यूटीफुल लग रही हैं दोनों ही गाड़ियां एंड जल्दी हम इसको अब कवर करने चलते हैं। सो लेट्स कीप गोइंग। अब हम आ गए हैं ऑल न्यू i20 एस्टा मॉडल के फ्रंट लुक पे। सो यहाँ पे आपको क्रोम कलर में हुंडई का लोगो मिल जाएगा, पियानो ब्लैक में आपको कैस्केडिंग ग्रिल मिलेगी एंड नीचे आपको ब्लैक कलर की स्कर्ट प्लेट्स मिल जाती है। चलते हम गाड़ी के हेडलैम्प के लुक की तरफ। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर एक LED DRL मिल जाती है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे एंड नीचे की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी एक प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाएगा जो ऑल ब्लैक यूनिट में दिया हुआ है, जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। सो ये रहने वाला है आपका गाड़ी का पूरा फ्रंट लुक। चलते हैं हम इस गाड़ी के साइड लुक पे। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले 16 इंच के न्यू ड्यूअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं इस गाड़ी पे। बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, नॉट मैसिव बट इनफ। ऊपर ORVMs की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं विद अ पडल लैंप फॉर अ वेलकम फंक्शन। सो साइड में चलते हैं तो आप यहाँ पे विंडो एरिया देखेंगे, काफ़ी वाइड दिया हुआ है गाड़ी में विंडो एरिया, सो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। एंड यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डोर हैंडल्स में आपको क्रोम मिल जाता है विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर रिलीज। चलते हैं हम इस गाड़ी के साइड पे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 16 इंच के वापस अलॉय व्हील्स दिख जाएंगे। रियर लुक की मैं बात करूँ तो रियर लुक में i20 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर मैं आपको टेल लैम्प्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे जेड शेप में LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं गाड़ी में। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कनेक्टिंग क्रोम फिनिश मिल जाती है जो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर एंड ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट दी हुई है, काफ़ी बड़ा बैक विंडो दिया हुआ है। यहाँ पे आपको i20 की बैजिंग मिल जाएगी एंड इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एस्टा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का सपोर्ट दिया हुआ है गाड़ी में। सो जो गाड़ी का बैक लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब चलते हैं हम इस गाड़ी के बूट की तरफ एंड बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बूट की। सो लेट्स कीप गोइंग। सो गाड़ी के बूट को हम ओपन कर लेते हैं एंड चलते हैं बूट की तरफ। सो हम गाड़ी के बूट पे आ गए हैं। सो इस गाड़ी में आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है विच इज़ नॉट मैसिव बट इनफ। गाड़ी में मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, इसमें आपको बोस का एक सबवूफर मिलता है जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है इस गाड़ी में। मैं बात कर लेता हूँ अब इस गाड़ी के स्पेयर टायर की। सो आपको इसमें स्पेस सेवर 15 इंच का स्टील व्हील मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छा है बूट स्पेस, काफ़ी प्रैक्टिकल है इस गाड़ी का। हम चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। सो गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं एंड चलते हैं इंजन की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। सो अब हम आ गए हैं ऑल न्यू i20 के इंजन की तरफ। सो इस गाड़ी में आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला इंजन है वो रहने वाला है आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 82 bhp ऑफ पावर। सेकंड इंजन भी आपका पेट्रोल रहेगा लेकिन वो 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन रहेगा जो प्रोड्यूस करेगा 118 bhp ऑफ पावर। एंड द थर्ड इंजन एंड द लास्ट इंजन विल बी योर 1.5 लीटर डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 99 bhp ऑफ पावर। एंड जो इसका डीजल इंजन है क्रेटा का डीजल इंजन है काफ़ी डिफरेंट है। इसका डीजल इंजन 99 bhp जनरेट करता है एंड क्रेटा और वरना का जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 115 bhp ऑफ पावर। सो हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर लुक की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग।
चलते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ। सो सबसे पहले चलते हैं बैक लुक में एंड बात करते हैं सबसे पहले रेयर डोर की इस गाड़ी के। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है रेयर डोर पे। यहाँ पे आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोस की बैजिंग दी हुई है एंड काफी प्रीमियम लग रहा है। अभी मेरा फ्रेंड संस्कार बैठ के दिखाएगा गाड़ी में कि गाड़ी की स्पेस कैसी है अंदर की। सो उसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है एंड ही इज गुड गाड़ी के अंदर। एंड बात कर लेता हूँ रेयर कम्फर्ट की। सो मैं घुस गया हूँ गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड नीचे यहाँ पे आपको एक यूएसबी सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोन रखने की एक स्पेस दी हुई है जो काफी अच्छी लग रही है गाड़ी अंदर से। यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो ये एक कॉन है। बट दिस इज नॉट द टॉप मॉडल, दिस इज द सेकंड टॉप मॉडल ऑफ दिस कार। सो आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम है एंड बैक से फ्रंट का लुक। सो आप देख सकते हैं बीच में जो आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिख रहा है वो कितना प्रीमियम दिख रहा है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट डोर एंड फ्रंट सीट के लुक की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। आ गया हूं गाड़ी के फ्रंट डोर के लुक की तरफ। सो ओपन कर लेता हूं सबसे पहले मैं फ्रंट डोर को। सो यहां पे भी आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है डोर पे। इस गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइट का फीचर मिलता है। सो आपको एक क्या देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइट दी हुई है एंड डोर विंस में भी आपको ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एक डोर रिलीज दिया हुआ है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक का बटन है एंड यहाँ पे विंडो म्यूट का स्विच है। नीचे की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपके डोर विंस में आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएंगी। यहाँ पे आपको बोस का स्पीकर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको बोस का ट्विटर मिल जाता है। अब करते हैं इस गाड़ी के ग्रैब हैंडल को ग्रैब एंड चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं सीट की थोड़ी बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8-way एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, मैनुअली एडजस्ट होती है। इसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, रीच एडजस्ट कर सकते हैं एंड आर्मरेस्ट को अपने हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं आप गाड़ी के। तो चलते हैं हम अपने गाड़ी के अंदर, करते हैं ग्रैब हैंडल को ग्रैब एंड अंदर बैठते हैं गाड़ी के। मैं फाइनली आ चुका हूँ Hyundai i20 एस्टा मॉडल के इंटीरियर पे। तो यहाँ पे आपको क्रेटा वाला डी कट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे ऑल मीडिया कंट्रोल्स एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आपको आपके MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा MID, बट यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको ओनली टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल में ही मिलेगा। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प के स्टॉक गेजेस मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको आपके वाइपर का स्टॉक गेज दिया हुआ है। इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बूस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर एंड पार्किंग कैमरा का एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है, विच इज वेरी कूल। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। एक सिमेट्रिकल डिजाइन है पूरी गाड़ी में, एक आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से लेके वो यहाँ तक फॉलो हो रहा है, यहाँ यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं इसको। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो पूरा ही चेंज हो गया। अब ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है विच लुक्स रियली फैबुलस, सेम आपको वर्नावे में मिल जाता है। अब मैं इसके MID की आपसे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी शिपिंग मोड में खड़ी है, ओके करके हम इसको डिसेबल करते हैं सबसे पहले। सो अब ये डिसेबल हो चुका है एंड मैं बात कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे आपका किलोमीटर्स ड्रिवन आ रहा है गाड़ी के। सो ये रहने वाला है आपका पूरा MID के कंट्रोल्स। बात कर लेते हैं MID के कुछ और सेटिंग्स की। सो यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है इस गाड़ी में। दिस इज अ रियली कूल फीचर। सो ये रहने वाला है आपका MID के पूरे कंट्रोल्स एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरियंट। तो यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर आ रहा है, यहाँ पे आपको आपका टैकोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आपका स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको जो फ्यूल गेज है वो भी डिजिटल में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर भी डिजिटल में दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको RPM दिया है जो भी डिजिटल में आता है। सो इस गाड़ी में आपको एनालॉग टाइप में भी आएगा एंड डिजिटल टाइप में भी हर चीज आएगी। सो अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के डैशबोर्ड के लुक की तरफ। सो आप डैशबोर्ड देख सकते हो काफी प्रीमियम दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है डैशबोर्ड में हर जगह, कहीं भी सॉफ्ट मटेरियल्स नहीं यूज करें इस गाड़ी में। मैं चलता हूँ इस गाड़ी के सेंटर कंसोल के लुक की तरफ। तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी का मेन हाईलाइट मिल जाएगा जो रहने वाला है आपका 10.25 इंच का टच स्क्रीन पैनल विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, मिरर लिंक, USB, ब्लूटूथ एंड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के साथ आती है गाड़ी। सो जैसे ही मैं इस गाड़ी में आपको रिवर्स गियर लगा के दिखाता हूँ, सो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले चालू हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आ जाएगा। इधर पे भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है विच इज रियली गुड इन दिस कार। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का फंक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको आपके AC कंट्रोल्स दिए हुए जो काफी प्रीमियम लग रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी एक एयरप्लेन टाइप के लुक के दिए हुए हैं ये। ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट्रॉनिक AC आ जाता है यहाँ पे आपको। यहाँ मैं आपसे नीचे की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको एक USB मिल जाएगा जो आपके एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है गाड़ी में एंड यहाँ पे आपको एक और USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिया हुआ है, सो दिस इज रियली गुड। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 7-speed का DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, यहाँ पे शिफ्ट लॉक के साथ आती है।
यहाँ पे पीछे की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाएंगे विथ हैंड ब्रेक, एंड यहाँ पे आपको आपका आमरेस मिल जाएगा विच इज रियली गुड, एंड आमरेस की स्पेस काफी अच्छी दी हुई है। सो आमरेस की मैं बात करूँ तो दिस इज एन स्लाइडिंग आमरेस, सो दिस इज वेरी गुड फीचर। मैं इस एयर प्यूरीफायर को वापस आपको एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो एयर प्यूरीफायर है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो हुंडई एंड किया में एयर प्यूरीफायर्स आ रहे हैं दैट किल्स कोरोना वायरस। सो अब ये कितना सच है कितना झूठ है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बट मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से ये किल करता है कोरोना वायरस को। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM मिल जाएगा जो मैनुअली एडजस्ट होता है, बट यहाँ पे आपको ब्लू लिंक के 3 बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। इधर की सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है विच इज़ रियली गुड। यहाँ पे आपको इस वाले मॉडल में 2 एयरबैग्स मिलते हैं, एक आपको यहाँ मिलेगा एंड एक आपको पैसेंजर एयरबैग मिलेगा, तो दैट इज़ रियली गुड। द कार फील्स रियली नाइस एयरी एंड बिग, सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी Hyundai i20 2020 मॉडल। सो हम चलते हैं इस गाड़ी के वापस फ्रंट लुक में एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की, सो लेट्स कीप गोइंग। सो यार मुझे इस गाड़ी की सबसे अच्छी जो फीचर्स लगे हैं वो रहने वाले हैं आपके इस गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो काफ़ी ही प्रीमियम दिया हुआ है। इस गाड़ी में आपको फर्स्ट एंड सेगमेंट 7 बोस के स्पीकर्स मिलते हैं। सो मैं कह सकता हूँ यार ये मॉडल में आपको सब कुछ मिल जाता है एस्टा ऑप्शनल के मुकाबले। बस एस्टा ऑप्शनल के मुकाबले आपको इसमें क्या नहीं मिलता है बताता हूँ मैं आपको। एस्टा ऑप्शनल में आपको 6 एयरबैग्स का सपोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक सनरूफ मिल जाएगा 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल में। सो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के बाहर एंड बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। सो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो चुका है एंड मैंने इस वीडियो में आपके लिए Hyundai i20 2020 का एस्टा मॉडल का लॉन्च इवेंट कवर किया है। सो इस गाड़ी का टॉप मॉडल एंड द बेस मॉडल भी मैं कवर करूँगा, तो इसकी वीडियोस आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो हम वीडियो को एंड करने की तरफ चलते हैं, सो लेट्स कीप गोइंग। वापस आ चुका हूँ मैं i20 एस्टा मॉडल के बाहर के लुक की तरफ एंड अभी हेडलाइट चालू कर लिए मैंने, काफ़ी प्रीमियम लग रही है। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी को, सो काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं ये। सो ये रहने वाली है आपकी i20 एस्टा मॉडल 2020 की सारी डिटेल्स। सो ये था आपका इस गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू एंड द लॉन्च इवेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप शिफ्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप शिफ्ट।